हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल बडीज। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। तो शायद लास्ट वीक या उससे लास्ट वीक हमने रिएक्ट किया था जी इकरा का, जो था वो सिस्ट्रोलॉजी में इकरा का रिश्ता आया था एंड काइंड ऑफ एक रिश्ता पक्का होने की एक सेरेमनी थी। एंगेजमेंट तो नहीं कह सकते, जस्ट एक पक्का हो गया था काम, तो यानी फॉर्मल कि हाँ भाई दोनों तरफ से ओके है, डन है। तो डेफिनेटली वो लड़के वाले इकरा के लिए गिफ्ट विफ्ट लाए होंगे, तो उनकी अनबॉक्सिंग है और जिसका टाइटल दिया गया है इकरा के गिफ्ट की अनबॉक्सिंग एंड स्कॉट। ससुराल ने क्या क्या आया, ससुराल से क्या क्या आया, सब ने चीज़ों पे अटैक कर दिया। ये तो होना ही था, पांच बहनें, होना ही था, नेचुरल है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 एन। सबसे मजे की बात ये है कि उनके ब्लॉग नहीं बना सकते थे। शर्मा तो ब्लॉग देखेंगे ही नहीं ना, उन्होंने देखना है। मुझे ना गिफ्ट पेपर जो है ना, गिफ्ट पेपर बहुत प्यारे लगे। तो मैं काम को गिफ्ट पेपर तुम्हारा सूट है, रुको मुझे जरा आवाम को दिखा दें। तो बड़ी ये देखेंगे प्रधानमंत्री सिर्फ फातिमा बनी हुई है इधर, नहीं मैं छोटी बहन। जेलस यार। पता होगा कि ये पिछले व्लॉग का अगला हिस्सा है और अगले व्लॉग का आगे आने वाला हिस्सा है। सो गाइस, गेस्ट वगैरह जा चुके हैं, अभी हम लोगों ने उनको सी ऑफ किया था। मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं अपनी अम्मी के साथ जो है मैं थक गई हूँ। मेरी अम्मा अब्बा ने बहुत मेहनत की है, मुशक्कत की है और बहुत से लोग वेट कर रहे होंगे कि जी आपकी गिफ्ट्स में क्या आया है, आपकी चीजों में क्या आया है, वो हमें खुल के दिखाएं। तो अभी हम करेंगे अपने गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग। अभी सब लोग जो है ना वो जाके अंदर इकट्ठे हो चुके हैं, मम्मी चली गई है और सब लोग जो है वो चीजें वगैरह समेट रहे हैं, काम शाम हो रहा है। क्योंकि आपको पता है जब घर पे गेस्ट आते हैं तो बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, थकावट के साथ और भी बड़ा कुछ होता है। मैं जो नर्वस थी पिछले ब्लॉग में काफी ज्यादा, अभी मेरी नर्वसनेस हो चुकी है खत्म, दी एंड। क्योंकि तसल्ली से देखूंगी कि मेरे इन-लॉज मेरे लिए क्या लेकर आए हैं और वो बास्केट जिनकी पैकिंग शैकिंग मुझे बड़ी प्यारी लगी है, लेट्स सी इसके अंदर क्या है। लेट्स गो। फाइनली आप ही के इन-लॉज चले गए, मेरी सारी सुर्खी भी उतर गई है, इन-लॉज चले गए। और ये जो फूल थे ना, मैं सोची थी कि नाले के आते मेरे लिए एक आधी शर्ट ले आते। आज पापा सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे आज। मतलब वैसे कह रही पहले नहीं लगते स्मार्ट। चलो यार खोलो। हाँ जी, सबसे मजे की बात ये है कि उनके ब्लॉग नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने बनाया फुल खिला के। पहले तो हमने शर्मा पहले तमीज घर बैठ के ना खुल खिला के आपका व्लॉग देख। अरे चलो यार ओपन करो, इस वक्त फुल टेंशन हो रही है, ये लालची मैंने, रुक जाओ स्नैप्स वगैरह बना रही हूं। इसमें तेरा कुछ नहीं है यार, ऐसा मैं लड़की के लिए लड़की की चार बहनों के लिए। हां जी, इसमें मेरी एक चीज पड़ी हुई है। आपको कैसे पता चला? परफ्यूम? नहीं नहीं नहीं, परफ्यूम नहीं मैं लेना, मैंने लेनी वो चॉकलेट। हां पापा को ये चॉकलेट बहुत पसंद है मुझे पता है। ये मिठाई भी आई थी गाइस। हाँ मिठाई भी मैंने खाई। हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। खोलो यार जल्दी कर, मुझे बहुत पैकिंग बहुत प्यारी। ये देखो दो अटैक, सही लिखा होता है। चीज फाड़ करते हैं ये, काफी बजली आ रहा है प्यारा तरीके से। अच्छा कितना एक चॉकलेट नीचे फेंकती है। सारा सामान मेरा होगा, ये सारा सामान मेरा होगा। आपको दे दो निकले। क्या मन्नत? पैर पांव से नंगा फिरना। फातमा फातमा ना, ये पापा। ओके अच्छा, ये मैं तुम्हें एक मजे की बात बताती हूँ। पापा ने एक दफा गया दुबई। हाँ मजे की ना हुई तो पैसे काटने। नहीं कसम से लेके आए, हीरा तो बच्ची से भी पैदा हुई थी। तो मैं ना लेती हूँ तो आके ना कहते हैं रात का टाइम 12 बजे आए रात को, तो आगे कहते हैं ये चॉकलेट है बड़ी मजे और मम्मी के पास अपने मुँह, मम्मी के पास अपने मुँह में बड़ी मजे की। हाँ ये बड़ी मजे की, पता चले खाली हो गई। ओके अभी भी चॉकलेट्स पे तो सबसे ज्यादा अटैक हुआ है। ये क्या है, बहुत नरम नरम सा।
फातिमा खोलो, पता चले सिर्फ ये मैं, मुझे पता है, मुझे पता है इसमें कोई एक शर्ट टाइप होगी। नहीं शर्ट नहीं है, फूल होगा। दिमाग की बर्थडे बड़े पहले संभाल लो, किसी को पेपर तो मैं संभाल। देखा यार ये तो अच्छे, मैं भी यूनिवर्सिटी पहन के जाऊंगी। सबसे लास्ट में आवाम को दिखा दें दोबारी, ये देखेंगे प्रधानमंत्री से फातिमा बनी हुई है इधर। नहीं मैं छोटी बहन, इसको सूट आ रहा है फातिमा के माइंड में चल रहा है इसको कैसे सिलवाऊंगी। हाँ इसके नीचे ये सिलवाऊंगी और ये सूट की कैसे फिटिंग। ये वैसे मम्मा भी सिलवा सकते हैं, आप भी सिलवा लो। क्या तुम बंदा लोग, गिफ्ट ले लेके साइड पे अपनी रख रही है। क्या है मुझे जाना, घूर घूर के देख रही है। सबसे ज्यादा मुझे पैकिंग बहुत अच्छी लगी है, चीजें तो बहुत अच्छी है। पैकिंग जल्दी खोलो यार, मुझे कुछ होना अंदर से। इंसानों की तरह खोलना है ना। जो है ना गिफ्ट पेपर बहुत प्यारे लगे। तो मैं काम गिफ्ट पेपर तुम्हारा आप ही तब देख लो, वाले पेपर भी संभाल के रखने हैं। ये परफ्यूम है आप ही मुझे दे दो, आपने मुझसे वो छीना था। इनके परफ्यूम्स बहुत अच्छे होते हैं। चाबे की ये भी है, ये वाला अगर आप ही परफ्यूम हुआ है मुझे देना। अच्छा हाँ जी, क्या चाहती हैं आप? मैंने कहा ये वाला अगर परफ्यूम हुआ तो मुझे दे देना। ये वाला लेडी का पापा का चांस का तो बना वगैरह जेंट दिया जाए। अब ये पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं क्यों वॉच होगी, शायद वॉच हुई तो मेरी क्लाई पे भी है। वॉच हुई तो मेरी वॉच है। यार ये अभी तुम्हारा टाइम बहुत देर से आएगा। शुरू कर दे और मेरी जो पसंद करता वो आ जाए। सबको ना कर जिसको मेरा वाला उसको चाहिए, मुझे वॉच दे दे, मुझे परफ्यूम ज्यादा सारे गिफ्ट रिश्ता देखने आओ, ये सब लेके आओ फिर हम ना पापा सामने बैठे हो। मेरी ये सारा सामान मैं छुपके से अच्छा जी अभी और पापा ने कसम उठाई है राबिया की बिस्ती करनी है हर पॉइंट में, ठीक है पापा? वैसे पापा मेरे पार्टनर है ना। ये क्या है अब जूता? अच्छा जी नहीं मैं जूता पहनती हूँ। नहीं मुझे पसंद ना है चॉकलेट से आके अनबॉक्सिंग खत्म। लिटरली चॉकलेट नहीं आई, हमें थक गई हूँ पकड़ गए दो लोगों को पकड़ मेरी तरफ से सबके सब। ज़ैनब का आंसर उसके डिंपल के ऊपर बहता। मम्मा जब मेरी शादी होगी ना पूरा घर भरा होगा। मेरा भी बहुत मेरा वैसे लेकिन मेरी तो ऑलरेडी शादी हो गई है, सॉरी गाइस। टेडी से नहीं एक बच्चे ने ना अभी मैं एक जोक सुना था। एक बच्चे ने एक ना लड़की को कहा शट अप, उसने कहा गुस्से में ये शट अप किसको कहता अपने आप। ये रियल वाक्य है। ये जब कैमरा बंद हुआ था तो दो मिनट पहले यही कुछ डर चाहिए लाइफ में, लड़ा जाना अपने आप को। और सबसे पहले तो मुझे ये चीज छुपानी पड़ेगी जो मेरी बहनों ने ना वाकई ज़ैनब साथ ही पकड़ी जा रही है। ये बहुत लड़ती हूं। गिफ्ट की अनबॉक्सिंग तो हो गई थी लेकिन ये देखें जो बहनें होती है ना वो अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ ना तो मैंने अपने हाथों से फ्रोजेस पकड़े और मेरी फ्रॉक जो है ये अटकी जाती है बेचारी बार बार। चले जी सो फूलों से भरी मैं अब फूल इसलिए लेकर आई हूँ अपने कमरे में ताकि मेरे कमरे में सारी रात मुझे खुशबू आती रहे, मुझे याद आती रहे अपनी जिंदगी का ब्यूटीफुल डे याद आता रहे। अनबॉक्सिंग करके पापा दिखाते तो मगर इसका वेट भी बहुत ज्यादा है। चलो मेरा कमरा आज साफ सुथरा गया था, अभी ये मैं रखूंगी इसको भी देखें यहाँ पड़े हुए वैसे ऑलरेडी
नकली फूल। अब यहाँ रखूंगी मैं असली, इसको इसके अंदर डाल दूंगी, अंदर रख दो ऐसे, बस वो गिराना नहीं। ठीक है, ये लड़की सब कुछ सजा के, सारे गिफ्ट आजू बाजू रख के अब लगी है प्रॉपर तरीके से खाना खाने, बिरयानी खाने। इस वक्त मुझसे कुछ खाया नहीं गया, so now it's time to eat something. Guys, लगते हाथों ना मैं आपको अपने ना जूते भी दिखा देती हूँ। मैंने कुछ PR अनबॉक्सिंग जो सुबह मैंने जूतों के डब्बे निकलवाए थे उसमें से मैंने कुछ जूते ऑर्डर किए थे, तो भाई ये देखे जी, ये मेरे जूते हैं। कुछ जूते जो है ना वो हीरा मैडम पहन के ट्राई करी जा रही है और मैंने ये जूते इस मैडम ने लेके जाने थे, तो मुझे स्नैप स्नैप ना के आगे शेयर हो जाएंगे। यार मेरी वो जिंक हील की तरह मेरी सबसे फेवरेट थी। गाइस आप इसका पजामा देख सकते हैं, वो देखें नीला पजामा देख सकते हैं आप इसका। ये लड़की जुगाड़ पे जुगाड़ ला के लगाती, जुगाड़ पे जुगाड़, मतलब टाइम देखे 3 बज रहे हैं इस वक्त इस कमरे में बैठी और लगे मेरे जूते चोरियां करने गंदी। सो गाइस उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, इंशाल्लाह पसंद आया। ज्यादातर हंसी आई क्योंकि डेफिनेटली फैमिली तो फैमिली होती है, किसी की भी हो, सीन्स ऐसे ही होते हैं कि हाँ भाई क्या आया था खोल के दिखाओ, और ये क्योंकि सारी बहनें हैं तो वो इसलिए थोड़ा ज़्यादा है कि ये सामान मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अबे जिसका आया उससे तो पूछो। जिसके लिए आया है शी वॉज लाइक व्हाट, ये तुमने क्या बोला अभी, बट मज़ा आया। और जोली टाइप फैमिली है, हमने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि ओपन माइंडेड हैं, और इसमें सबसे बड़ा रोल इनके पेरेंट्स का है जिन्होंने अपने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस और ये तरबियत दी है, और बड़ी अच्छी बात है, और इसीलिए आज हंसी खुशी रह रही हैं, अपना फंक्शन इन्होंने इंजॉय किया और उसमें हमें भी शामिल होने का मौका दिया। ओप्स बच गए, हमें भी शामिल होने का एक प्रॉपर कह लें कि व्लॉग के थ्रू मौका मिल गया कि हमने इनकी इस नाइट का एक पूरी जो इनकी नाइट थी, जो फंक्शन था, उसमें हम सब भी काइंड ऑफ सेलिब्रेट कर सकती हैं इनके साथ, तो मज़ा आया जी देख के, मुझे तो अच्छा लगा, फन एलिमेंट भी था, मस्ती भी थी, अटैक भी बाकी था जैसा टाइटल में लिखा था, और जो है थोड़ा बहुत रोना धोना भी था, जो कि आप समझ गए होंगे मैं किसको रेफ़र कर रहा हूँ, हो जाता है जब इतनी सारी बहनें हो तो हो ही जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।